दिल की बीमारी ये चीज क्या है? दिल की बीमारी वैसे ही है जैसे आयु के साथ अपने बाल सफेद होने लग जाते हैं, नजर कमजोर हो जाती है और चमड़ी पे रिंकल्स आ जाती हैं। ऐसे ही कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, यहां की दिल में जो ब्लड वेसल जा रहे हैं, धमनियां हैं, उनमें छोटे छोटे ब्लॉकेजेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुदरत बहुत बड़ी चीज है, जैसे ऐसे ब्लॉकेज होते हैं वैसे वैसे कुदरत जो है, नेचर जो है, छोटे ब्लड वेसल्स को बनाना शुरू कर देती है ताकि जो हार्ट को, मसल को ब्लड जाना चाहिए वो जाता रहे। जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बढ़ते हैं वैसे वैसे कुदरत के कोलेक्टर बढ़ते हैं और एक बैलेंस बना रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाए और जो ब्लॉकेज है उसके साथ ब्लड फ्लो कम ज्यादा हो रहा है और नेचर के जो कोलेक्टर है उसके साथ इंप्रूवमेंट कम है। और जब ये सिचुएशन आती है तब एंजाइना होता है, दिल में दर्द होता है और इसको हम कहते हैं कि दिल की बीमारी हो गई। यह देखा गया है कि दिल की बीमारी में, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में जो एंजियोग्राफी की जाती है वो हमेशा हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये मैं इस बेस पे कह रहा हूं कि आप सबने सुना होगा कि एंजियोग्राफी करवाई, वहां ऑलमोस्ट क्लियर रहा, कहा गया कि ठीक हो, घर चले जाओ, और कुछ देर के बाद में हार्ट अटैक होता है, पेशेंट नहीं रहता है। और ऐसे पेशेंट भी हैं जिनकी एंजियोग्राफी हुई, 99% ब्लॉकेज, 98% ब्लॉकेज, इतनी ब्लॉकेज, लेकिन उन्हें कभी छाती में दर्द नहीं हुआ, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, और वो 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक चले जाते हैं लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि एंजियोग्राफी का और एंजाइना या हार्ट अटैक का कोई 100% रिलेशनशिप नहीं है। तो कहानी क्या है, माजरा क्या है? ब्लॉकेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो है वो एंजियोग्राफी नहीं बदलाता है। एंजियोग्राफी सिर्फ बदलाता है कि ब्लॉकेज कितना है। ब्लड फ्लो के लिए चेस्ट हेलियम है और कार्टोग्राफी है, सीसीजी, कार्डियोवेस्कुलर कार्टोग्राफी, ये हमें बताते हैं कि ब्लड फ्लो हार्ट को, मसल को कितना जा रहा है। अगर ब्लड फ्लो ठीक जा रहा है, जितने भी ब्लॉकेज हो कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन अगर ब्लड फ्लो कम जा रहा है तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब क्या ट्रीटमेंट? हमने देख लिया कि ब्लॉकेज के साथ कोई 100% रिलेशन नहीं है ब्लड फ्लो का, तो हमें कुछ और सोचना चाहिए। कुछ ही देर पहले एक पेपर छपा है, उस पेपर के मुताबिक अगर एक मरीज को प्रॉपर मेडिसिन दी जाए और दूसरे मरीज को मेडिसिन के साथ साथ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डाले जाए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। अगर सेम है तो मैं क्या प्रिफर करता हूं कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी दी जाए, प्रॉपर मेडिसिन दी जाए। उसका इफेक्ट और इंप्रूव करने के लिए ईसीपी, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन किया जा सकता है, आर्टिक लेंस थेरेपी या क्लेशन थेरेपी किया जा सकता है और ओजोन थेरेपी किया जा सकता है। तो अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो, अगर इमरजेंसी ना हो, तो मैं सोचता हूं कि बेहतर यह है कि ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी, प्रॉपर मेडिसिन, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, क्लेशन थेरेपी और ओजोन थेरेपी की जाए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मुझे जरूर लिखिए, मुझे टेलीफोन करिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर नजर आ रहा है। नमस्कार, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, comment, subscribe and ring bell for notification of latest updates.